सरोकार। मनेन्द्रगढ़ में नगर पालिका उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज, प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर हो रहा है प्रचार। कोरिया में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं फेंकी गई, सीएस ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। महासमुंद में करंट लगने से दंतेली हाथी की मौत, वन विभाग मौके पर पहुंची। पामगढ़ में मुलमुला पुलिस ने अभियुक्त ऐप का किया प्रचार, छात्र छात्राओं को ऐप की दी जानकारी। सख्ती में छेड़छेड़ा मांगने वालों पर महिला पर हमला, हमले में पति और पत्नी सास घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मनेन्द्रगढ़ नगर में पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। 9 तारीख को वोटिंग हुई, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 3 में भरतपुर के विधायक गुलाब कमरो और नपा अध्यक्ष प्रभा पटेल कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में वार्ड में डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं और जीत की बात करें, वही दूसरी ओर भाजपा भी मैदान में उतर चुकी है और नुक्कड़ सभा के माध्यम से डोर टू डोर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। देखिए, चुनाव 5 साल में होते हैं, मगर इस बार चुनाव इस वार्ड में 3 साल में हो रहा है। चुनाव क्यों हो रहा है, ये प्रश्न का प्रश्न है। चुनाव कराने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा के सामने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन शून्य कराया। अब यहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है। बिजली, पानी, सफाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी चीज़ों में फेल रहे हैं। नगर पालिका पूरी तरीके से फेल है, प्रत्याशी भर की बात नहीं है, नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे आमदा है। और इसका सबक सिखाने के लिए वार्ड नंबर 3 का जो चुनाव हो रहा, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 4 सालों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के एक एक ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्र उन योजनाओं को लेकर, या मनेन्द्रगढ़ अगर प्रॉपर अगर शहर की बात करें, जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो कई सालों से बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद बिना आंदोलन के आपको नया जिला मिला है। आने वाले दिनों में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा मिलेगी और आप देखेंगे शहर में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, नगर में तो आपको छिपा नहीं है। उन मुद्दों को लेकर, उन विकास को लेकर हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट हम लोग जीतने वाले हैं। सपा ने पहले भी यहाँ भाषण दे चुके हैं, कैसा नारा लग रहा है, क्या आपको मिला है? सपा ने एक ऐसा व्यक्ति है जिसका एकदम क्या कहना चाहिए, जो आदमी निर्दलीय जीत सकता है उसका छवि कैसा है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार जनहित के मुद्दों के लिए, लोगों के लिए, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे एक एक छोटी छोटी समस्याओं को वो लगातार जनता के बीच रखते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो मनेन्द्रगढ़ पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मनेन्द्रगढ़ में विधानसभा की तैयारी को लेकर यूथ कांग्रेस की बैठक ली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी प्रियंका सारसान ने बताया कि कई राज्यों में कांग्रेस के द्वारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का काम किया जा रहा है। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। सरगुजा संभाग में पहला दौरा था तो हमने महेंद्रगढ़ जिला कार्यकारिणी बैठक रखी। इस बैठक में हमने आज यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का लॉन्चिंग किया था। यूथ कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के लिए एक मुहिम जारी की है आने वाले 2023 आगामी चुनाव के लिए। एक बूथ पर 5 यूथ, 2 महिलाएं, 1 डिजिटल यूथ यूथ कांग्रेस जोड़ेगा। भरतपुर जिले की पहली यूथ कांग्रेस की मीटिंग आज आयोजित की गई थी, जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हमारी राष्ट्रीय सचिव श्री सुश्री प्रियंका सरासर जी आई हुई हैं
उनके साथ थे हमारे संभाग प्रभारी यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनु अवस्थी जी। तो यह जो मीटिंग आज आयोजित की गई, इसमें दिशा निर्देश हम सभी युवा कार्यकर्ताओं को यह दिशा निर्देश मिला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिव्यक्ति नामक ऐप बनाया गया। आपको बता दें कि आपातकालीन परिस्थितियों में इस ऐप के माध्यम से अपने परिवारजन एवं पुलिस को मैसेज एवं लोकेशन के माध्यम से सूचना दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ऋषभ कॉलेज मनहाली में मुलमुला थाना प्रभारी संतोष शर्मा व आरक्षक राजा रात्रि द्वारा अभिव्यक्ति ऐप के बारे में कॉलेज में उपस्थित छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी मुलमुला संतोष शर्मा ने बताया कि कॉलेज में उपस्थित छात्राओं को अभिव्यक्त ऐप के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही उन्होंने कॉलेज परिसर व वहां के वातावरण की प्रशंसा भी की। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के तलावापारा स्थित एसएलआरएम सेंटर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं फेंकी पाई गई। एक्सपायरी दवाओं को डिस्पोज करने के लिए सरकार ने बकायदा नियम बना रखे हैं, पर यहां नियमों का पालन नहीं किया गया। बात यह है कि ये दवाएं साल 2014 से 17 में एक्सपायर हो चुकी थी, तो 5 साल बाद जिला अस्पताल प्रबंधन को इन्हें ठिकाने लगाने की याद आई तो ये दवाएं फेंक दी गईं। जब इस संबंध में जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के सीएस डॉक्टर एके करर से बात की गई तो उनके द्वारा जांच के बाद कार्यवाही की बात कही जा रही है। आज ही मुझे सुबह मालूम चला है कि उस दवाई से फेंक दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। हमारा जो एरिया है, हमारा जो जिला है, बहुत ही गरीब है और यहाँ गरीब लोगों का दवा नहीं मिल पाता है। इस हालत में ऐसा फेंकना अनुचित है और इसके लिए हम खुद ही जा रहे हैं अभी तुरंत जाके, इसका पूरा वचनबद्ध तरीके से बयान लेके संज्ञान लेता हूँ। क्या है, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, संबंध किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिला के कांग्रेसी नेत्री और राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का दिल के दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद से जिले में शोक का माहौल है और परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। परिवार, समाज और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल हुए और रानी तालाब के पास मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया और शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। सुश्री शशिकांता राठौर कांग्रेस की महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के सचिव के पद हो या ICC के सदस्य की पद हो, अभी राज्य महिला आयोग की सदस्य थी, वो इस शहर की एक प्रमुख कांग्रेस की स्तंभ थी। आज उनका स्वर्गारोहण हम सब के लिए, पूरे कांग्रेस परिवार के लिए क्षति है और हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको गोलोक मिलें और उनको शांति प्रदान करें। क्षति तो हमारे ज़िले के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पहली महिला थी जिसको हर क्षेत्र में जानते थे, वो अधिवक्ता के क्षेत्र में वो कुशल राजनीतिज्ञ थी और लोगों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहती थी। और कहना चाहूँगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है कि जो आज जो कुछ भी हम उसी के बदौलत हैं। और मैं पूरे शहर में आज मातम की मौसम है, मातम छाए हुए हैं, क्योंकि वो सबके बहुत लाडली थी और सबके मार्गदर्शक थी और सबको आशीर्वाद देके सबके सुख दुख में जाती थी। मैं उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हूँ और ये यहाँ का नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। महासमुद में करंट लगने से एक दंतैल हाथी की मौत हो गई, पर करंट कैसे लगा और किसने लगाया था इसका कारण अभी तक नहीं पता चला। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा। बता दें कि दो दंतैल हाथी गरियाबंद से विचरण करते हुए महासमुंद आए थे और 2-3 दिनों से महासमुंद वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे थे, जिनमें से एक की करंट लगने से मौत हो गई।
केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सहायक अधीक्षक द्वारा शराब के नशे में हंगामा करते हुए निरीक्षण पर पहुंचे जेल अधीक्षक से गाली करने का मामला सामने आया है। दरअसल अंबिकापुर केंद्रीय जेल में सहायक अधीक्षक एमजी गोस्वामी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। इसी दौरान देर रात जेल का जायजा लेने पहुंचे जेल अधीक्षक से सहायक अधीक्षक ने गाली गलौज करने लगा। इसके बाद जेल अधीक्षक द्वारा शराबी सहायक अधीक्षक को फटकार लगाते हुए मुलाहिजा कराया गया और कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। गोस्वामी साहब वो पीते हैं और पी के आ गए थे, तो मैं उनको समझा के बाहर भेजा हूँ। पहले तो अपने पास बिठाया था ऑफिस में, मेरे चैम्बर में, फिर उसके बाद में जाइए आप घर का के उनको बाहर कर दिया था। बारी तो हम सब के आएगी, लेकिन इसीलिए अब उनको तो कहीं ट्रांसफ़र कर देना ही ठीक रहेगा, और नहीं तो उनको मना किया हूँ शराब पी के अब नहीं आना है जेल के अंदर कह के। नहीं समझ जाएंगे तो फिर ठीक है, और जेल को तो हमें चलाना ही है, और नहीं समझने की स्थिति में फिर कार्रवाई के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा। बलरामपुर के ग्राम टाटी झरिया बॉक्साइट खदान के पास स्थित तालाब में एक अज्ञात महिला का शव तालाब से मिला है, जिसे ग्रामीणों एवं थाना स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव पंचनामा कार्यवाही में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और अभी आपको बता दें अधिकारियों को अवगत कराकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर पामगढ़ से है। बीते दिनों अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते पत्नी ने अपनी पति पर हत्या कर जिसमें शिवरी नारायण पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की चरित्र पर शंका होने पर लकड़ी के बेट एवं टंगिया से हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे में हत्या में प्रयुक्त टंगिया को बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। आरोपी संपत सारथी के द्वारा अपनी पत्नी सुरेखा सारथी की हत्या कर फरार हो गया था, जिसे आज दिनांक 7 जनवरी को बालपुर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बरामद कर उसे पुलिस हिरासत लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनकी पत्नी वह अपनी पत्नी के ऊपर विशेष शंका करता था, और इसी बात पर उसको लकड़ी के बेट टंगिया से मारकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया। खबर शक्ति के माल खरौदा क्षेत्र के अंतर्गत सरकरा की है, जहां पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर एवं साइबर सेल की टीम की मदद से संदिग्धों के घर पर दबिश देकर घेराबंदी कर 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उक्त चोरों के आरोपियों ने घर के दरवाजे को तोड़कर जेवरात सोना चांदी चोरी करना कबूल किया है, और पूछताछ कर आरोपी से सभी जेवरात बरामद किए गए हैं, और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे फादर की का हार्ट अटैक होने से हम लोग रायपुर ट्रीटमेंट के लिए चले गए थे, और 4 तारीख को जब वापस आए उनके फादर की मृत्यु इस दौरान हो गई थी। 4 को ये लोग डेड बॉडी अपने फादर का लाए, फिर जब घर में आए तो इन्होंने देखा कि घर का ताला अलमारी का टूटा हुआ है। उसके बाद फिर दाह संस्कार अंतिम संस्कार करने के बाद थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराए। सोना चांदी इनका गायब हुआ था, लॉकर तोड़ के निकाला गया था। तो हम लोग मुखबिर लगाए थे, तो एक मोटरसाइकिल का पता चला कि गाँव का एक लड़का नया मोटरसाइकिल खरीदा है 1/1/2023 को। उसी संदेह पर हम लोग फिर मुखबिर लगा कर वो किए। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP महोदय के मार्गदर्शन में टीम बनाए थे जिला की, जिसके उस पर निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग 6 आरोपी को पकड़े हैं। इसमें औसत पर जैसा जितनी वो सोना चांदी के जेवरात थे, पैसे थे, उसको बरामद किया गया है।
सक्ती जिले में नशे की हालत में छेड़छेड़ा मांगने गए 5 लोगों ने महिला से गाली गलौज की। पति द्वारा विरोध करने पर लाठी व रॉड से घर के सदस्यों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे महिला की सास व पति के सिर में चोटें आई थी। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पत्नी के रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।